दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में। तो हम एक पूरा डेरिवेशन तो नहीं करने वाले हैं इसका, ऑब्वियसली। हम लोगों को कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है कि हमें कभी कभार बोल दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो और वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होता है, या कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, तो हम उसकी हेल्प से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल देते हैं। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लिखा हुआ है जिसमें आपको ई का वैल्यू बताया हुआ है, ठीक है। तो ई का एक्सप्रेशन आपको पता होता है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, राइट। तो एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन बता दिया, बोला कि ये ईएम वेव जो है किसी मीडियम से जा रही है, अब उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। तो इस सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि हम कैसे निकालें। तो उस ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमें इस रिलेशन की बहुत ही नीड होती है। तो आइए हम देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा उसको हम एन से डिनोट करते हैं, ओके। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है हम उसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में आज एक रिलेशनशिप निकालने वाले हैं, तो उसको समझते हैं हम कैसे निकालेंगे। सपोजिंगली हमारे पास कोई भी एक लाइट वेव है और वो आपकी वैक्यूम के अंदर जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी। तो आइए देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटेरियल, ओके, इन एनी मटेरियल और साइड में हम लिख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। तो ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये हमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन होती है मैक्सवेल्स इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में जो आपके पास आती है, तो आपने वहाँ सीखा होगा इसको। तो वहाँ से निकल के आया था आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो हमारा होता है सी इक्वल्स टू वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इन टू एप्सिलॉन नॉट। दिस म्यू नॉट इज़ द परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम, दिस एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो इन द सिमिलर वे हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मटीरियल और एनी मीडियम यू कैन से हम निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे वो, वी इक्वल्स टू लिख सकते हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये म्यू नॉट की जगह म्यू हो जाएगा, क्योंकि हम उस मटीरियल की कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, राइट, एंड उसकी वजह से यहाँ पर उसकी परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, तो इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के फॉर्म में यानी एप्सिलॉन की फॉर्म में कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है मटीरियल के अंदर ये आ जाती है। नाउ अब हमारे पास ट्रिक क्या है कि हम इसको यूज़ करके हम एन और के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ले। तो हमें पता होना चाहिए, मैं आपको कुछ एक ट्रिक बता देता हूँ कि आपके पास जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ इन द फ्री स्पेस और वैक्यूम होता है, ये रिलेशनशिप हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और रिलेशन हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी कि एन, और इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, ये हमारे पास क्या होता है सी अपॉन वी होता है, ओके। तो हमें इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकालनी है। तो हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हम अगर सी अपॉन वी कर देंगे, राइट, सी अपॉन वी कर देंगे तो हमें कुछ तो मिलने वाला है जो है एप्सिलॉन और म्यू की टर्म्स में, राइट। बट हम क्या उसको रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि म्यू तो कभी भी कैंसिल ही नहीं होने वाला, मतलब एप्सिलॉन और म्यू जो है आपके मीडियम और वैक्यूम में जो है उनकी टर्म्स में हमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो हम इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक लगाने वाले हैं, हम जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल निकालेंगे, बट वो मटेरियल हमारा कौन सा है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल, स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल, और ये जो मटेरियल है वो मैं आपका डिफाइन कर रहा हूं, दिस मटेरियल इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर, ओके। सो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए हमारे पास ये क्या होने वाला है, आइए लेट्स सी। सो दिस वी विल बिकम वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस म्यू विल नॉट बी देयर, दिस विल बिकम म्यू नॉट बिकॉज दिस मटेरियल इज नॉट हैविंग एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नाउ, सो इट इज़ लाइक म्यू नॉट, बिकॉज ये तो परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वाली कंसिडर करेगा, है ना, ओके।
तो म्यू नॉट हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मिसिंग नहीं है तो इसलिए हमने म्यू ही रहने दिया, राइट। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मटीरियल, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन द मटीरियल विच इज नॉन मैग्नेटिक इन नेचर। ओके, सो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सी को इस वाले वी से डिवाइड करने वाले हैं। तो आइए इस रिलेशन में हम क्या करते हैं, सी को हम इस वाले रिलेशन से डिवाइड कर देते हैं, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन। तो हमारे पास यहाँ तक रिजल्ट आ गए। तो अब यहाँ पर हम देखिए, आप म्यू नॉट को कैंसिल कर सकते हैं, राइट, एंड दिस होल थिंग विल बिकम दिस एप्सिलॉन विद इन स्क्वायर रूट, राइट, दिस विल कम अप इन द न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस स्क्वायर रूट एप्सिलॉन नॉट विल बी इन द डिनोमिनेटर ओनली, राइट। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो हमारा क्या होता है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, अभी अभी हमने देखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट स्क्वायर रूट के अंदर, राइट। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आया, फाइनली हमारे पास आ गया एन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ के। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू वेन यू विल बी डूइंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, सो इट विल बिकम एन स्क्वायर इक्वल्स टू के। सो इन बोथ द वेज यू कैन राइट द रिजल्ट, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन एन स्क्वायर एंड के, और बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, राइट। सो मैं एक क्वेश्चन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपके पास कभी कभी एक ई एम वेव का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। कुछ भी इक्वेशन है यहाँ पर, ई नॉट की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू, के की वैल्यू कुछ दी हुई है, दिस के इज प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस मीडियम में ये ई एम वेव जा रही है उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बताओ। तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ सिंपल v निकालना है, v आपका होता है ओमेगा अपॉन k, मीन्स दिस k इज प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, ये आपका ओमेगा अपॉन k आप कर देंगे, राइट। तो वहाँ से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी सिंपल, ठीक है। v की वैल्यू आने के बाद आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं c अपॉन v, c की वैल्यू आपको पता होती है 3 × 10⁸, एंड v इज ओमेगा अपॉन k दैट यू हैव जस्ट कैलकुलेटेड नाउ। ओके, सो व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ n, so once you know the value of n, so you can easily do the square of it, right, and you will get the dielectric constant. Okay, so this is how you can solve the problem. Okay, so this is a very very important result, please do remember this result. Okay, then bye bye, thank you so much for watching the video.